हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स ए टू जेड। यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करते हैं। ये मेरे चैनल पे मार्च मंथ रिलेटेड करंट अफेयर्स का फोर्थ वीडियो होगा। इसके पहले मार्च मंथ के करंट अफेयर रिलेटेड और भी 3 वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियोस देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन तीनों वीडियोस का लिंक देख सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है। तो चलिए इंट्रो को और ना लंबा करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल हैज बीन पास्ड बाय व्हिच हाउस। कौन से हाउस ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल पास किया है? इसका आंसर है राज्यसभा। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द बिल सिक्स टू अमेंड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये बिल 1971 की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में सुधार लाना चाहती है। इट प्रोवाइड्स फॉर एनहेंसिंग द अपर जेस्टेशन लिमिट फ्रॉम 20 to 24 weeks फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन बट डज नॉट स्पेसिफाई द कैटेगरी। ये महिलाओं के कुछ खास श्रेणियों के लिए गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है, मगर ये कोई श्रेणी निर्दिष्ट नहीं करती। द सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इसका आंसर है एम ए गणपति। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। सीनियर आईपीएस ऑफिसर एम ए गणपति एंड कुलदीप सिंह वेर अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रेस्पेक्टिवली। सीनियर आईपीएस ऑफिसर एम ए गणपति और कुलदीप सिंह जी को रेस्पेक्टिवली हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। अकॉर्डिंग टू अ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑर्डर, पर्सनल मिनिस्ट्री ऑर्डर के अनुसार। थर्ड क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर टू स्कोर 3000 रन इन T20। T20 क्रिकेट में 3000 रन सबसे पहले बनाने वाले क्रिकेट प्लेयर कौन है? इसका आंसर है विराट कोहली। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। ही इज ऑल्सो द लीडिंग रन स्कोरर इन द इंडियन प्रीमियर लीग विद 5878 रन फ्रॉम 192 मैचेस। उनके पास एक और लीडिंग रन स्कोर का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में 192 मैचेस में 5878 रन बनाया है। द फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर इसरो हैज लॉन्च्ड RH-560 rocket to study attitudinal variation. Attitudinal variation study करने के लिए ISRO मतलब ISRO ने कहाँ से RH-560 rocket का launch किया है? इसका answer है Sriharikota Space Center। इसको हम सतीश धवन Space Center भी कह सकते हैं। इसके साथ notes कुछ इस तरह से हैं। The Indian Space Research Organization ISRO launched a sounding rocket from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. Sriharikota में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब ISRO ने हाल ही में एक आवाज करने वाली रॉकेट का लॉन्च किया है। टू स्टडी एटीट्यूडिनल वेरिएशंस इन द न्यूट्रल विंड एंड प्लाज्मा डायनामिक्स, जिसकी मदद से न्यूट्रल विंड और प्लाज्मा डायनेमिक्स के बारे में विविधता का और भी पढ़ाई की जा सके। द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच कोर्ट हैज अनाउंस्ड ट्रांसजेंडर टू NCC। कौन से कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को NCC में आने की अनुमति दी है? इसका आंसर है केरला हाई कोर्ट। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द केरला हाई कोर्ट ऑन अलाउड अ ट्रांस वुमन टू अप्लाई फॉर एनरोलमेंट इनटू द नेशनल कैडेट कॉर्प्स इन द सीनियर गर्ल्स डिवीजन एज पर हर सेल्फ प्रिसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी इन अ लैंडमार्क जजमेंट। एक लैंडमार्क जजमेंट के द्वारा केरला हाई कोर्ट ने एक ट्रांस वुमन को उनकी खुद को दिए गए पहचान के अनुसार उनको नेशनल कैडेट कॉर्प्स मतलब NCC में सीनियर गर्ल्स की विभाजन में आवेदन करने की अनुमति दी है। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसका आंसर है संजय गोयल। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं।
American Tower Corporation announced that Sanjay Goel has been appointed Executive Vice President and President Asia Pacific succeeding Amit Sharma. एशिया पैसिफिक के अमित शर्मा को पीछे छोड़कर अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन ने ये घोषणा किया है कि संजय गोयल उनके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए नियुक्त किए गए हैं और प्रेसिडेंट पद के लिए भी। द सेवेंथ क्वेश्चन इज हु इज द नेशनल हेड ऑफ सेल एंड मार्केटिंग ऑफ किया मोटर्स इंडिया। भारत में किया मोटर्स के नए नेशनल हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग कौन बने हैं? इसका आंसर है हरदीप सिंह ब्रार। द एट्थ क्वेश्चन इज हु इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ वेस्ट बंगाल एज पर ईसीआई। ईसीआई के अनुसार वेस्ट बंगाल के नए डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी कौन बने हैं? इसका आंसर है ज्ञानवंत सिंह। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपॉइंटेड आईपीएस ऑफिसर ज्ञानवंत सिंह एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी इन प्लेस ऑफ विवेक सहाय हु वाज रिमूव्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओवर द इंसिडेंट इन नंदीग्राम इन विच चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वॉज इंजर्ड। वेस्ट बंगाल की सरकार ने आईपीएस ऑफिसर ज्ञानवंत सिंह को नए डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी के पद के लिए नियुक्त किया है विवेक सहाय की जगह पे, जिनको भारतीय निर्वाचन कमीशन ने हटा दिया नंदीग्राम में हुए घटना के बाद, जहां पे उनकी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जख्मी हुई थी। नाइन्थ क्वेश्चन इज Recently, Reserve Bank has imposed a penalty of 2 crore on which Indian bank? हाल ही में Reserve Bank ने कौन से भारतीय बैंक पर 2 करोड़ रुपीस का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर है State Bank of India. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। The Reserve Bank of India has imposed a penalty of rupees 2 crore on India's largest lender, State Bank of India, for non-compliance of regulation in payment of remuneration to its employees through commissions. Reserve Bank of India ने भारत की सबसे बड़ी ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे कमीशन के द्वारा उनके कर्मियों को सटीक से पारिश्रमिक ना देने के लिए नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 करोड़ रुपीस का जुर्माना सुनाया है। द टेंथ क्वेश्चन इज ऑन 16th मार्च इंडिया एंड बांग्लादेश हैज डिस्कस्ड ऑन विच पैक्ट एट दिल्ली। 16 मार्च को भारत और बांग्लादेश ने दिल्ली में कौन से संधि पर आलोचना किया? इसका आंसर है तीस्ता वाटर पैक्ट, मतलब तीस्ता जल संधि। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश हैड अ डिस्कशन ऑन फ्लड मैनेजमेंट एंड अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द तीस्ता वाटर पैक्ट। भारत और बांग्लादेश ने बाढ़ को संभालना और तीस्ता के जल का जल्दी कार्यान्वयन करने की संधि पर बात किया। The Indian delegation was held by Pankaj Kumar, Secretary of Water Resources, while the Bangladesh side was led by Senior Secretary Kabir bin Anwar. यहाँ पे भारत की प्रतिनिधित्व करते दिखे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी पंकज कुमार और बांग्लादेश की तरफ से थे उनके सीनियर सेक्रेटरी कबीर बिन अनवर। The 11th question is, which cricket team two player has been banned for 8 years due to match fixing? कौन से क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग करने के लिए 8 साल के लिए बैन कर दिया गया है? इसका आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। यूएई नेशनल क्रिकेट टीम प्लेयर मोहम्मद नवीद एंड साइमन अनवर भट्ट have been found guilty of breaching ICC anti-corruption code, following which they will be banned from all cricket activities for 8 years. UAE के जातीय क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ी मोहम्मद नवीद और साइमन अनवर भट्ट को ICC के भ्रष्टाचार विरोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए सजा सुनाई है, जिसके तहत उनको 8 साल के लिए सभी क्रिकेट संबंधियों गतिविधियों से बैन कर दिया गया है। The 12th question is, which Indian woman has got International Woman of Courage 2021 award? कौन से भारतीय महिला को International Woman of Courage 2021 award से नवाजा गया है? इसका आंसर है गौशल्या शंकर। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं।
The US consulate honored Tamil Nadu-based anti-caste activist and human rights defender Gaushalya Shankar with a nomination for the International Woman of Courage Award. US के वाणिज्य दूतावास द्वारा तमिलनाडु की जाति विद्वेषी और मानवाधिकार रक्षा कर्मी गौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड 2021 के लिए मनोनीत कर दिया गया है. The 13th question is, according to Gallup World Poll report, which is the happiest country of the world? Gallup World Poll के अनुसार दुनिया की सबसे खुशहाल देश कौन सा है? इसका आंसर है फिनलैंड. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं: आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड एंड द नेदरलैंड्स फॉलोड इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रैंक रिस्पेक्टिवली. इसमें क्रम से आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स को सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रैंक मिला है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड इज साना मरीन. द कैपिटल ऑफ फिनलैंड इज हेलसिंक and the currency of Finland is euro. The 14th question is, in all England Open Badminton Championship 2021, PV Sindhu has defeated which Japanese player to enter into semi-final? 2021 के All England Open Badminton Championship में PV Sindhu ने semi-final में जगह बनाने के लिए जापान की कौन से खिलाड़ी को हराया है? इसका answer है Ekane Imaguchi. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं: With this win, the Indian ace has booked herself a spot in the semi-final of Super 1000 tournament in Birmingham. इसी जीत के साथ इस भारतीय खिलाड़ी ने बर्मिंगहम में हो रहे Super 1000 टूर्नामेंट में अपनी जगह भी पक्की कर ली है. The 15th question is, When we celebrate Global Recycling Day, हम कब Global Recycling Day मनाते हैं? इसका आंसर है 18th March. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं: On March 18th, we celebrate Global Recycling Day. March 18th को हम Global Recycling Day मनाते हैं. Recycling is a key part of the circular economy. Recycling चक्रीय अर्थव्यवस्था की एक मुख्य भाग है. Helping to protect our natural resources. और ये हमारे प्राकृतिक जो साधन है उनको भी संभालने में मदद करता है. In September 2018, the Bureau of International Recycling and the United Nations Industrial Development Organization proposed to introduce the Global Recycling Day. 2018 के सितंबर में ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग और राष्ट्रसंघ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे को मनाने का प्रस्ताव रखा था. दोस्तों, आज का वीडियो कुछ इस तरह से था. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स रिलेटेड और भी वीडियोज़ डालूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को और भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज़ हो या फिर क्वेश्चंस हो या फिर आप लोग कुछ भी बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. बाय दोस्तों.